तो आज हम अगस्त के महीने में रिलीज होने वाली 9 बड़ी साउथ इंडियन फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अगस्त के महीने में रिलीज होने वाली है। साउथ इंडियन सिनेमा से अगस्त के महीने में काफी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में आने वाली है, जैसे कि कोबरा, लाइगर, कार्तिकेय 2, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है। इसमें से कौन कौन सी फिल्में हिंदी में आने वाली है वो सब जानने के लिए आप सभी को वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी फिल्में आ रही है अगस्त के महीने में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शुरू करते हैं। बनाई बाय भीमी साना, ये फिल्म एक फैंटेसी एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को 40 करोड़ की लागत के साथ बनाया गया है। वैसे फिल्म का ट्रेलर देखने में अच्छा लग रहा है। ट्रेलर से एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली और मगदीरा की वाइब आ रही है, तो देखते हैं फिल्म कैसी होती है। वैसे बीजीएम सुनने में बहुत ही कमाल का लग रहा है। इस फिल्म में नंदामुरी कल्याण राम राजा बिंबिसार के रोल में दिखाई देने वाले हैं। फिल्म में कैथरीन टेरेसा, संयुक्ता मेनन और वरीना हुसैन भी दिखाई देने वाली है। डायरेक्शन दी है मलेडी वशिष्ठ। इस फिल्म को 4 पार्ट में रिलीज करने वाले हैं। अगर पार्ट 1 को ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो इस फिल्म का 3 पार्ट और आएगा। नंबर 8 पे सीतारामम। सीतारामम अगस्त के महीने में रिलीज होने वाली एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है जिस फिल्म में हम सभी को दुलकर सलमान, मुन्नल ठाकुर और रश्मिका मंदाना दिखाई देने वाली है। इस फिल्म में हम सभी को राम की कहानी देखने मिलेगी। राम को कैसे रश्मिका मंदाना एक चिट्ठी पहुंचाती है जो कि सीता का है। सीता का रोल इस फिल्म में मुन्नल ठाकुर प्ले कर रही है। फिल्म का ट्रेलर देखने में अच्छा लग रहा है। इस फिल्म को डायरेक्शन दिए हैं हनु राघोपुरी और ट्रेलर में मुन्नल ठाकुर और दुलकर सलमान की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी लग रही है। वैसे फिल्म को 5 अगस्त को रिलीज कर रहे हैं और ये फिल्म तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषा में रिलीज हो रही है। सीता। नंबर 7 पे गोल्ड। गोल्ड मलयालम सिनेमा से आने वाली एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है जो फिल्म का 2 मिनट 32 सेकंड का टीजर काफी महीने पहले रिलीज हो चुका है जो कि आप सभी लोग जाकर देख सकते हो। 2 मिनट 32 सेकंड के टीजर में पृथ्वीराज चल के आ रहे 1 मिनट 10 सेकंड तक, मतलब धीरे धीरे चल के आ रहे, फिर उसके बाद पैर से एक लड़की को मार रहे। भाई साहब, वो जाकर आप लोग देखो, 1 मिनट 10 सेकंड में सिर्फ आके एक लड़की को मारे, वो ही टीजर में दिखाया है, आप लोग जाके देख सकते हो। और टीजर में नयनतारा बहुत ही कमाल की लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। वैसे सुनना हम सभी को पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ लेडी सुपरस्टार नयनतारा दिखाई देने वाली है और ये फिल्म 90 अगस्त को रिलीज हो रही है। इस फिल्म को सिर्फ मलयालम भाषा में रिलीज कर रहे हैं। नंबर 6 पे वीरूमन। वीरूमन कार्तिक की आने वाली मच अवॉइडेड फिल्म है जो कि एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि एक मसाला फिल्म होने वाली है जिस फिल्म में हम सभी को कार्तिक के साथ डायरेक्टर शंकर की बेटी आदिति शंकर दिखाई देने वाली है। ये इनकी पहली फिल्म है, तो ऑल द बेस्ट। इस फिल्म को पहले 31 अगस्त को रिलीज करने वाले थे लेकिन अभी ये फिल्म 12 अगस्त को रिलीज हो रही है थिएटर्स में। नंबर 5 प्लेस में माचल्ला नियोजा का वर्गम। ये फिल्म तेलुगु सिनेमा से आने वाली एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिस फिल्म में हम सभी को नितिन एक आईएएस के रोल में दिखाई देने वाले हैं। फिल्म में उनके साथ कीर्ति सेट्टी और कैथरीन टेरेसा दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म को 12 अगस्त को रिलीज कर रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर देखने में अच्छा लग रहा है और ट्रेलर में एक्शन बहुत ज्यादा दिखाया गया है, तो देखते हैं ये फिल्म कैसी होती है और फिल्म की स्टोरी लाइन कैसी होती है। डायरेक्ट एक्शन है। नंबर 4 पे थल्लूमाला। ये फिल्म मलयालम सिनेमा की आने वाली मोस्ट ओवररेटेड फिल्म है जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म होगी जिस फिल्म में हम सभी को टोमिनो थॉमस, कल्याणी प्रियदर्शन और साइन टॉम चाको दिखाई देने वाले हैं। वैसे इस फिल्म का ट्रेलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग जाकर इस फिल्म का ट्रेलर देखो, ट्रेलर बहुत कलरफुल लग रहा है, ट्रेलर में बहुत कुछ दिखाया गया है, आप लोग जाकर देखो इस फिल्म का ट्रेलर। ये फिल्म 12 अगस्त को रिलीज होने वाली है सिर्फ मलयालम भाषा में। नंबर 3 पे कार्तिकेय 2। कार्तिकेय 2 अगस्त के महीने में रिलीज होने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म है जो कि एक सुपर नेचुरल मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म होने वाली है। वैसे ये फिल्म 2040 की हिट फिल्म कार्तिकेय फिल्म का सीक्वल होने वाला है जो फिल्म ऑडियंस और क्रिटिक को काफी पसंद आई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी बेहतरीन कलेक्शन करके दिखाई थी। इस फिल्म को 4 से 6 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और फिल्म में 20 करोड़ का शानदार कलेक्शन करके एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। वैसे फिल्म के सीक्वल में हम सभी को निखिल सिद्धार्थ, अनुपमा परमेश्वरन और अनुपम खेर दिखाई देने वाले हैं और ये फिल्म 12 अगस्त को रिलीज हो रही है। ये फिल्म तेलुगु के साथ हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम और तमिल भाषा में रिलीज हो रही है।
नंबर टू प्लेस पे लाइगर। लाइगर इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म है जो कि अगस्त के महीने में रिलीज होने वाली है, और साथ ही साथ ये विजय देवरकोंडा की पहली पीन इंडिया फिल्म होने वाली है जो कि एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म होगी। फिल्म में विजय देवरकोंडा के साथ अनन्या पांडे दिखाई देने वाली है, और फिल्म में अमेरिकन बॉक्सर माइक टायसन का एक्सटेंडेड कैमियो होने वाला है। इस फिल्म को डायरेक्शन दी है पूरी जगन्नाथ, और ये फिल्म 25 अगस्त को रिलीज हो रही है। I'm a fighter. नंबर वन पे कोबरा। कोबरा अगस्त के महीने में रिलीज होने वाली एक बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म में हम सभी को विक्रम दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म में विक्रम 7 से ज्यादा गेटअप पे दिखाई देने वाले हैं, मतलब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस फिल्म को देखकर हम सभी को। इस फिल्म में हम सभी को केजीएफ वाली मतलब श्रीनिधि शेट्टी दिखाई देने वाली है। फिल्म में मशहूर क्रिकेटर इरफान पठान भी दिखाई देने वाले हैं। फिल्म को डायरेक्शन दिए आर अजय गनामुथु, और ये फिल्म 31 अगस्त को रिलीज हो रही है। जी हाँ, इस फिल्म को पहले 11 अगस्त को रिलीज करने वाले थे, लेकिन अभी ये फिल्म 31 अगस्त को रिलीज होने वाली है। रिपोर्ट की माने जाए तो इस फिल्म को 31 अगस्त को रिलीज कर रहे हैं, और ये फिल्म तमिल, हिंदी और तेलुगु में भी रिलीज होने वाली है। जी हाँ, इस फिल्म को 3 भाषाओं में रिलीज कर रहे हैं। ये थी अगस्त के महीने में रिलीज होने वाली 9 बड़ी फिल्में। तो आप सभी लोग कौन से फिल्म के लिए वेट कर रहे हो, आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा सेकंड चैनल है। शुक्रिया।